अभी हम लोग इसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हमारे साथ में आप सभी को बताना चाहूंगा, राकेश जी है जिंद हरियाणा से, और ये जो जगह है जिंद हमारी, मतलब की थोड़ी छोटी जगह है हम कह सकते हैं, लेकिन इन्होंने वहां से अपने आप को सेटल किया है और काफी अच्छे प्रोग्राम को चलाते हुए इन्होंने सोशल लाइफ को, सोशली काम को, सोशली लोगों से साथ मिलना, कोरोना के समय में लोगों के साथ जाना, उनकी हेल्प करना, खाना खिलाना, बहुत अच्छा इन्होंने किया। जिन शहर से हमारे साथ में राकेश जी हरियाणा के, बहुत ही अच्छा इन्होंने सभी को योगदान दिया। मैं स्वागत करना चाहूंगा, मैं साहिल खान से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमारे राकेश जी का स्वागत करें। नकुल जी, विजय जी, आशीष जी, सिद्धार्थ जी बता रहे मंच के ऊपर, किशोर जी, धनराज जी आ गए हैं, गणेश जी आप आ गए हैं, और भाई साहब का स्वागत करें। मैं रिक्वेस्ट करूंगा पनीर जी भाई साहब से, आप कृपया साफा पहनाकर हमारे राकेश जी को प्रोत्साहन करें, उनको इस बात की उन्हें बधाइयां दें कि उन्होंने मानव समाज कल्याण में बहुत अच्छा काम किया। पुरन जी आहूजा भाई साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे आ गए हैं। मैं सिद्धार्थ जी से रिक्वेस्ट करूंगा वे स्टॉल पहनाकर हमारे जिंद से राकेश जी का स्वागत करें, उन्हें उनका मोमेंटो दें। आप सभी फोटोग्राफ के लिए आ गए हैं, आशीष जी, किशोर जी, मिर्जा साहब आप भी आ गए, शिव कुमार जी आप भी आ गए, रवि जी मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा आप आ गए हैं, और भाई साहब को प्रोत्साहित करें। मैं राकेश जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वे हमें दो शब्द बताएं जो उनके एक्सप्रेसेस रहे उन्हीं के लिए। सभी को नमस्कार, मेरा नाम राकेश शर्मा है और मैं जींद हरियाणा से बिलोंग करता हूँ। बीइंग अ साइकोलॉजिस्ट बहुत मुश्किल होता है, कई बार कई ऐसी सिचुएशंस आती हैं जहाँ लोगों को समझाना मुश्किल होता है, पर ये हमारा काम है, हमें अच्छे से करना है और समाज में, सोसाइटी में एक अच्छी तरह से ऐसा एग्जांपल देके जाना है कि लोग कुछ सीख सके। हमारे यूएस के बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट हुए हैं बीएफ स्किनर, उन्होंने कहा है कि सम्मान किसी भी चीज को अग्रसर करने के लिए बहुत, उसका एक अहम प्रभाव पड़ता है। आज यहाँ पे सेव ह्यूमैनिटी की तरफ से हमें एक सम्मान दिया जा रहा है जिसका मैं बहुत बहुत तहे दिल से आभारी हूँ, और इसके साथ साथ मैं
ह्यूमन राइट वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर भी हूँ, जो लोगों को गाँव में जाकर उनके अधिकारों के बारे में प्रेरित करते हैं और समाज के साथ जुड़ के चल के और पूरे सहयोग के साथ जितना हमारे से होता है उतना हम करने की कोशिश करते हैं। सेव ह्यूमैनिटी ने हमारे इस प्रयास को सराहा है, उसके लिए मैं अमित जी का बहुत बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद। मैं शिव कुमार जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि वैद्य शब्द राकेश जी के बारे में बताएं। उन्होंने इतनी छोटी उम्र में कोरोना के टाइम में आगे बढ़कर चैलेंजेस को स्वीकार किया, तो उन्हें क्या आप कहना चाहेंगे? राकेश जी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप यहाँ पर आ रहे। और राकेश जी जो है ना, हमारा हरियाणा से ही है, मैं रोहतक से हूँ। और आपको बहुत बहुत बधाई है, आपने कोरोना काल में जो कार्य किया है, राकेश जी ने बताया था कि भी बहुत अच्छा काम किया है। तो आप कौन से गाँव में किया अभिषेक? सर हमारे लोकलाइज जितने भी गाँव है, हमने कोशिश की थी जहाँ भी हमारे से पॉसिबल हो सके, जहाँ पे कोई भी संसाधन नहीं है, जहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं, क्योंकि कुछ कोरोना गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सभी लोगों को अलाउ नहीं था हर जगह जाने, लेकिन हमारी तरफ से कुछ ऐसे प्रयास किए गए जिनके तहत हमने गांव-गांव में कुछ गांव में जाके लोगों की हेल्प की है जहाँ भी जरूरत थी। तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई, अमित जी को भी बधाई और बैंक को बहुत ही बधाई देता हूँ मैं।